नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के लगातार गतिरोध की वजह से मानसून सत्र में संसद के बाधित होने की वजह से जनता के 133 करोड़ से ज़्यादा रुपए बर्बाद हुए हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। 19 जुलाई को शुरू हुए संसद सत्र के पहले दिन से विपक्ष की पार्टियाँ इस मुद्दे पर चर्चा और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में स्वतंत्र जाँच की मांग कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां उस रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार पर निशाना साध रही हैं कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके सरकार ने विपक्षी नेताओं, जजों, मंत्रियों और दूसरे लोगों के फोन हैक करे हैं। सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया है। बीजेपी फोन की जासूसी को गैर मुद्दा करार दे रही है। शनिवार को अज्ञात सरकारी सूत्रों के जरिए मीडिया को दिए गए बयान में कहा गया कि संसद के गतिरोध की वजह से लोकसभा के संभावित 54 में से सिर्फ 7 घंटे काम हुआ, जबकि राज्यसभा में संभावित 53 में से 11 घंटे काम हुआ है। साथ ही बयान में कहा गया कि अब तक संसद के संभावित 107 घंटों में से महज 18 घंटे काम किया गया है। इस प्रकार करीब 89 घंटे बर्बाद हो गए हैं। इसका मतलब है कि करदाताओं के कुल 133 करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं। ये बयान पीएम मोदी के जरिए कांग्रेस पर संसद के मानसून सत्र को चलने नहीं देने के आरोप लगाने के 4 दिन बाद आया है। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से जनता और मीडिया के सामने पार्टी को बेनकाब करने को कहा था। बीजेपी के संसदीय दल की एक बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गतिरोध के हल करने की कोशिश को जानबूझकर ठुकराने का आरोप लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।